हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रंजना। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही टेस्टी पराठे की रेसिपी। तो यहां पे मैंने बनाया है पापड़ के पराठे। ये देखिए, ये पराठे हैं जो कितने अच्छे बने हैं। तो इसमें स्टफिंग हुई है पापड़ की, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो आप इस पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, खासकर मानसून सीज़न में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इवनिंग स्नैक्स में इसे बना सकते हैं, चाय के साथ ये पापड़ के पराठे बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं पापड़ के पराठे, देखते हैं हमें इसके लिए क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप आटा। तो ये देखिए आटा है, इससे मैंने ले लिया है एक बड़े से बाउल में। हमें पहले आटा लगाना है। इसमें आप मिला लीजिए 1 चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो आटे को आप पहले लगा लीजिए, अच्छे से गूंथ लीजिए। तो इसके लिए आप ऑयल और नमक को पहले मिला लीजिए आटे में, और फिर इसे पानी के हेल्प से मुलायम नरम रोटी के लिए जैसे आटा लगाते हैं वैसे आपको इसे लगा लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया है। तो ये देखिए ये रेडी है। इसे अब हम छोड़ देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। आटा हमारा तैयार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से पापड़ लिया है। तो यहाँ पे है ये जो मार्केट में मूंग के दाल के पापड़ आते हैं वो है ये। आप इसकी जगह पे कोई भी पापड़ ले सकते हैं जो आपको घर में हो या जो आपका फेवरेट हो। आप इसकी जगह पे उड़द के दाल का पापड़ ले सकते हैं, चावल के पापड़ ले सकते हैं, मैदे के पापड़, जिस पापड़ को आपको बनाना है आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर पापड़ को ड्राई रोस्ट करूँगी। ये देखिए आप पे मैं इसे सेक लूँगी। आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं ऑयल में। डीप फ्राई पापड़ के भी बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। तो मैंने इसे आग पे सेक लिया है, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर लें। तो पहले पापड़ को आपको सेक लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे पापड़ सेक के बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए 2 पापड़ मैंने यहाँ पर लिया है। तो जब पापड़ सेक के तैयार हो जाए फिर इसे आपको एक बाउल में लेना है और इस तरह से छोटे टुकड़ों में कर लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आप इसको क्रश कर ले। ये देखिए अपने हाथों से इसे अच्छे से क्रश कर ले ताकि ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए। इस तरह से आप कोई भी पापड़ ले सकते हैं। फिर अब इसमें हम मिलाएंगे कुछ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज मिलाया है, थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया, आप इसमें बहुत ही हल्का नमक डालें क्योंकि पापड़ में पहले से ही नमक होता है, तो बहुत ही हल्का सा नमक मिला लें। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। मेरा पापड़ पहले से काली मिर्च वाला फ्लेवर का था तो मैंने बहुत थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, और थोड़ा सा इसमें आप नींबू का रस मिला लें। मिला लें सबको अच्छे से। ये तो ये हमारा स्टफिंग तैयार है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है ये पराठे, आप ज़रूर ट्राई करिए इसे। तो हमारा स्टफिंग तैयार है और आटा भी हमने लगा के रख लिया है। तो अब हम बनाते हैं इसके पराठे। तो इसे आप एक पराठे बराबर लोई ले लें, जो रेगुलर पराठे की लोई होती है, लोई को अच्छे से डस्टिंग कर लें और थोड़ा सा इसे बेल लें पहले। इस तरह से बना लें छोटी रोटी और इसके ऊपर आप इस तरह से रखिए स्टफिंग को। ये देखिए तो यहाँ पे हमने रख लिया है पापड़ के स्टफिंग को, और इसे अपने हाथों में उठा लीजिए। थोड़ा सा प्रेस करके आप सभी किनारों को अच्छे से चिपका के एक्स्ट्रा आटा निकाल लीजिए और इस तरह से लोई तैयार कर लीजिए। जैसे आप कोई भी स्टफ करके बनाते हो पराठे, सेम उसी प्रोसेस में आपको ये पराठे बनाने हैं। एक बार फिर से डस्टिंग कर लिया मैंने और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर लीजिए पहले, और फिर बेलन से बड़ा कर लीजिए। ये देखिए बहुत हल्के हाथों से आप इसे बेलें। तो ये हमारा पराठा यहाँ पे बिल के तैयार है। अब इसे सेकने के लिए मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया था पहले से, अब इसमें डाल लेंगे पराठे को। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा पराठा सिक रहा है। तो यहाँ पे पराठा बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। इसी प्रोसेस में हम और बाकी सारे पराठे बना लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये सीख जाता है। आप जब हल्का फुल सीख जाए उसके बाद इसमें ऑयल लगा ले, और ऑयल लगा के इसे बिल्कुल करारी क्रंची ऊपर से सेक ले। तो ये पराठा कितना अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए हमने दोनों पराठे सेक लिए हैं, अब हम निकाल लेते हैं इसे बाहर। तो ये हमारा यहाँ पे पराठा बिल्कुल रेडी है। मैं इसे आपको दिखा देती हूँ,
बनने के बाद ये पराठे कैसे बनते हैं, तो ये देखिए बिल्कुल टेस्टी करारी पराठे बनके तैयार हैं। आप चाहे तो इसे बीच में कट करके सर्व करें। ये देखिए अंदर से इसकी स्टफिंग बहुत ही अच्छी होती है, पापड़ का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। आप चाहे तो इसे चाय के साथ सर्व करें बिना किसी चटनी या अचार के, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। या फिर आप अपने मनपसंद कोई भी सॉस या चटनी रायते के साथ इसे सर्व करें। फ्रेंड्स ज़रूर इसे ट्राई करें। मिलते हो मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खाते रहें खिलाते रहें।